हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है उत्तराखंड स्टडी। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड में बहुत सारी विज्ञप्तियाँ जो है आने वाली है, जैसे कि उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा ग्रुप सी और ग्रुप डी जो है, यह दोनों पोस्ट जो है इनकी विज्ञप्ति जारी कर चुकी है। इसके अलावा फ्रेंड, हम ग्रुप सी में देख चुके हैं फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती है उसका भी एग्जाम होने ही वाला है। फ्रेंड, इसके अलावा आप जानते हैं उत्तराखंड में पुलिस की वैकेंसीज भी आने वाली है, जिसमें उत्तराखंड पुलिस और SI की जो है वो भी जो है आने वाली है पोस्ट है। इसके अलावा फ्रेंड, आप जानते हैं उत्तराखंड में वीडियो VPDO और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, नायब तहसीलदार जैसी पोस्टें भी जो है आने वाली है। फ्रेंड, उत्तराखंड में यह सभी पोस्टों को देखते हुए फ्रेंड, मैंने जो है यह यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसका उद्देश्य फ्रेंड, यूट्यूब चैनल का उद्देश्य जो है जल्द से जल्द आपका जो है GS का पोर्शन कंप्लीट करवाना है। फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे आपके GS का पोर्शन को कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें जो है आप सभी जानते हैं उत्तराखंड एग्जाम में जो पाठ्यक्रम है उसमें जो है GS का पोर्शन रहता ही है, जिसमें आपको फ्रेंड हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी और उत्तराखंड करंट अफेयर। फ्रेंड, ये जो 8 सब्जेक्ट हैं ये GS के पोर्शन में हमेशा ही रहते हैं। और फ्रेंड, ना ही ये उत्तराखंड में बल्कि ये अदर स्टेट के भी जो है एग्जाम में जो है आपका GS का पोर्शन काम आता है। फ्रेंड, अब जैसे कि हम जानते हैं स्टेट लेवल के लिए जो हम एग्जाम क्रैक करने की जो हम कोशिश तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमें उत्तराखंड पढ़ना ही पड़ता है फ्रेंड। और इसके अलावा फ्रेंड, करंट अफेयर है, करंट अफेयर जो कि है जो हर एक एग्जाम में जो है हमारा काम आता है। फ्रेंड, इस जो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसका जो उद्देश्य है इसलिए है आज आपको जो है सिलेबस डिस्कस कराना है, सिलेबस में क्या पढ़ाएंगे और ये सभी चीज़ें जो है मैं आपको बताऊँगा। फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ हम ये GS का जो पोर्शन है ये हम कंप्लीट करेंगे, तो फ्रेंड हम एक सीक्वेंस से चलेंगे और एक सबसे पहले हम हिस्ट्री पढ़ेंगे और जैसे ही हमारा हिस्ट्री ख़त्म होता है वैसे ही हम पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमी जो भी है हम स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड, मैं इसका टाइम ड्यूरेशन बता देता हूँ, हमारा हिस्ट्री कब से कब तक चलेगा और पॉलिटिकल साइंस जो है कब से कब तक चलेगा। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं हम इतिहास को जो हम 3 पार्ट में जो है डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारा प्राचीन भारत का इतिहास हो गया, प्राचीन भारत का इतिहास और मध्य भारत का इतिहास हो गया और जो है आधुनिक भारत का इतिहास। फ्रेंड, इसमें जो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वह है प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें फ्रेंड 15-20 दिन का लेक्चर जो है आपको दिया जाएगा। 15-20 दिन के लेक्चर में जो है हमारा प्राचीन भारत का इतिहास जो है ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड हमारा 15-20 दिन में मध्य भारत का इतिहास और 20-25 दिन में आधुनिक भारत का इतिहास जो है संपूर्ण खत्म हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो 20-25 दिन में यह भी खत्म हो जाएगा। इकोनॉमी की बात करें यह भी 15-20 दिन में, ज्योग्राफी 25-30 दिन में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रेंड यह आपका 15-20 दिन में और इकोलॉजी यह आपका 10-15 दिन में। और फ्रेंड यह तो हमारा सिलेबस है जो सिर्फ GS का पोर्शन है, जो कि हमारे उत्तराखंड ही नहीं बल्कि अदर स्टेट के भी जो है यह काम आते हैं। फ्रेंड, इसके अलावा हमें उत्तराखंड स्टेट लेवल पर जो एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं वह हमें उत्तराखंड एडिशनल पढ़ना ही पड़ता है। फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ, मैं आपको प्राचीन भारत का इतिहास जो इस प्राचीन भारत के इतिहास से स्टार्ट करूँगा, एक लेक्चर में आपको यह रिकॉर्ड करके दूंगा जिसका समय हो सकता है 20-30 मिनट की जो लेक्चर में जो है एक टॉपिक ख़त्म हो जाए। और फ्रेंड उसके अलावा उसी ही दिन मतलब एक दिन में 2 वीडियो आपको देता रहूँगा, जिसमें आपका दूसरा चलेगा उत्तराखंड में। मैं आपको कोई लेक्चर के डेज नहीं बता सकता हूँ कितने डेज में है, उत्तराखंड को हमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा वह पढ़ना है। और फ्रेंड आते हैं करंट अफेयर में फ्रेंड मैं आपको बता दूँ, मैं इसमें आपको मंडे टू संडे यानी कि 7 डेज जो 7 डेज का जो हम करंट अफेयर जो मैं कलेक्ट करूँगा अपने पास जो मैं बनाऊँगा उसे मैं आपको संडे के दिन एक दिन यानी कि वीकली में आपको एक दिन संडे में 1 घंटे का या हो सकता है इससे ज़्यादा हो 1.5 घंटे या फिर कम भी हो सकता है, मैं जो 1 घंटे में जो आपको है पूरे 7 दिन का जो है करंट अफेयर जो है आपको ख़त्म करवा दूँगा। 7 दिन का करंट अफेयर एक डे क्लास में और संडे के दिन 1 घंटे में मतलब ये आपको अपलोड होगा। संडे के दिन आपको उत्तराखंड और प्राचीन भारत के इतिहास की जो है वीडियो नहीं होगी और यह
मंडे टू सैटरडे चलेगा, उत्तराखंड भी मंडे टू सैटरडे, एक एक लेक्चर आपको जो है रोज दिया जाएगा। तो फ्रेंड अब हम बात करते हैं सिलेबस डिस्कस की, क्या क्या सिलेबस जो है हमें पढ़ाना है। फ्रेंड आते हैं हमारी प्राचीन हिस्ट्री में। प्राचीन हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे जो कि है, मैं आपको सिलेबस जो है मैं आपको बता दूंगा कि हम क्या क्या जो है हम इसमें कौन कौन से टॉपिक को लेके आपको पढ़ाएंगे। तो फ्रेंड ये है हमारे प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो यह सिलेबस है जो हमें 15 से 20 लेक्चर में जो हम इसे हम खत्म कर देंगे। सबसे पहले फ्रेंड हम आते हैं स्रोत में, जिसमें हमें भारत इसमें स्रोत मिलते हैं कहाँ से, क्या में हमें प्राप्त हुआ। इसके अलावा फ्रेंड आते हैं सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। फ्रेंड इसमें आपके संपूर्ण जो इनकी जानकारी है, इनकी अर्थव्यवस्था, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था, नगर नियोजन, यहाँ की कला क्या थी, यहाँ के जो भी इनका इतिहास था सिंधु और हड़प्पा सभ्यता का, यह सभी चीज। और फ्रेंड ऐसे ही हर एक प्रत्येक टॉपिक में, जैसे कि वैदिक काल, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, 26वीं शताब्दी से पूर्व के बाद का बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद, मौर्य काल, भारत में विदेशी आक्रमण, गुप्त काल, दक्षिण भारत का इतिहास, 9वीं शताब्दी के चौथ, फ्रेंड इन समस्त जो जो मैंने टॉपिक करवाए हैं इन सभी की गहनता से अध्ययन करके ही मैं आपको ये सभी चीज टॉपिक में मैं क्लियर करवाऊंगा। फ्रेंड यह जो इनकी जो भी इनके जो है इनकी जो भी आर्ट और कल्चर जिन सभी इन टॉपिक के हैं वह मैं आपको करवाऊंगा। फ्रेंड ये रहा हमारा प्राचीन भारत का इतिहास। इसी तरह फ्रेंड मैं आपको उत्तराखंड में बताऊंगा कि उत्तराखंड में जो भी टॉपिक को लेके मैं चलूंगा उसका सिलेबस मैं आपको बता दूंगा कि मैं उत्तराखंड में क्या क्या पढ़ाऊंगा, कहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा। और फ्रेंड ये तो आज के लिए जो मेरा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था वह सिर्फ इतना ही था कि मैं आपको एक सिलेबस डिस्कस कर सकूँ आपके साथ कि क्या पाठ्यक्रम जो है हमारे उत्तराखंड के जो पी एग्ज़ाम में जो है वह आएगा। और फ्रेंड ये जीएस का पोर्शन है, इसीलिए हम सबसे पहले हम प्राचीन भारत के इतिहास से जो है प्रारंभ करेंगे और इसी के चलते चलते हम एक सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि दो महीने तक हमारा इतिहास जो है कंप्लीट हो जाएगा और जल्द से जल्द एक टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द हम हिस्ट्री को जो है क्लियर कर दें। इसी के अलावा हम पॉलिटिकल साइंस में आ जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस को भी हम टॉपिक वाइज बहुत जल्दी रिकवर करते रहेंगे। और ऐसे ही जो है हम जीएस के जो है पांचों सब्जेक्ट्स जो है 6 के 6 सब्जेक्ट्स जो भी हैं वह हम क्लियर करेंगे। और फ्रेंड उत्तराखंड तो हमें पढ़ना ही है, उत्तराखंड को तो हम अलग हो ही नहीं सकते। उत्तराखंड के लिए मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मैं ये इतने डेज का जो है लेक्चर होगा, क्योंकि उत्तराखंड में जो भी है यहाँ उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक, जो भी आपकी अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे जो राजाओं के जो शासन रहे हैं वह सभी चीज आएंगे, उनका जो इतिहास है, उनकी जो कर व्यवस्था थी वह आएंगे, उनकी न्याय व्यवस्था आएगी, और उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ वह सभी, और आंदोलन जो भी उत्तराखंड में वन आंदोलन हुए हैं, और यहाँ के त्यौहार, मेले, और ये समस्त उत्तराखंड का जो इतिहास है वह मैं आपको बताऊँगा, जो कि लेक्चर में मैं आपको टॉपिक वाइज जो है मैं करवाता रहूँगा। फ्रेंड एक और बार मैं बोलता हूँ, करंट अफेयर जो है मैं मंडे टू संडे यानी कि 7 डेज का जो करंट अफेयर है वह मैं आपको एक ही दिन में और एक ही लेक्चर में मैं आपको अपलोड करके वीडियो दे दूंगा। इसी का फ्रेंड और सबसे बड़ी बात फ्रेंड मुझे प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड ज़रूर लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें फ्रेंड, और साथ ही साथ फ्रेंड आप बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मैं जो भी आपके लिए जो भी मैं जीएस लेके आऊँ वह जो है जो लेटेस्ट जो मेरी वीडियो है वह आप तक जरूर पहुँचते हैं।